हाँ बच्चों, वेलकम टू गोडा। आज मैं काफी दिनों बाद आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। हमको बड़ी बड़ी कंपनीज का इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, उसके बारे में आपको आज कुछ डिटेल्स देने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता होगा, अभी काफी इंटरव्यू कंपनीज के आने वाले हैं एज अ फ्रेशर, क्योंकि जो बच्चे 7 सेमेस्टर में हैं, कुछ 8 सेमेस्टर में है, उनके काफी मेरे पास कमेंट्स आए और बोले सर हमको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उसी पर बेस्ड मैं आप ये वीडियो लेके आया हूँ, और ये वीडियो आपको ये बताएगा कि हाँ, हमको जावा में कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है और किस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज अ मैं आपसे यही बताना चाहूंगा, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, यस आई हैव मोर देन 6+ ईयर एक्सपीरियंस, ओके यू नो दैट। और मुझे एक्सपीरियंस है कि हाँ, कैसे इंटरव्यू बच्चों के लिए जाते हैं एज अ फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस। तो मैं फ्रेशर की बात करूँ तो बच्चों, आपको बहुत बेसिक्स पे ध्यान रखना है, जैसे जावा के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि जावा मेमोरी कैसे ली जाती है, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, उसके अलावा जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या नहीं है आपको पता होना चाहिए, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। आप लोगों को इंटरव्यू में ये ध्यान रखना है कि यार, हमको सामने वाले इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कोशिश ये करना है कि कैसे भी मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना है, और उसके लिए आप सब लोग अभी से बेसिक लर्निंग करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैं बात करूं सी की, तो सी में बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उनको ये मालूम नहीं होता कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है कि डेटा टाइप्स क्या होता है, उनको ये नहीं मालूम होता है कि आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्या होता है, 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट कितना मेमोरी लेता है और 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट कितना मेमोरी लेता है इन सी में। और अगर आपसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है कि भैया आप बताओ कि इंटीजर कितना मेमोरी लेता है फॉर 32 बिट, तो आप बोलोगे 2 बाइट, हाँ या ना। देन वो सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 64 में कितना लेता है, तो आप आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज हो गए और आप बोलोगे, अगर आपको आता था बोलोगे 4 बाइट। उसके बाद वो आपको नेक्स्ट लेवल जावा पे लेके जाएगा और बोलेगा जावा में 32 बिट कितना लेता है, तो फिर आप यहां पर बोलोगे, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप बोलोगे, आप बोलोगे सर यहां पे 2 बाइट ही लेगा और 64, तो आप बोलोगे 4 बिट। जबकि जावा में ये क्वेश्चन रॉन्ग होता है। जावा आपको पता होगा आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है, यहां पर चाहे वो 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो या 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सेम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और आपका जो इंटीजर होता है 4 बाइट मेमोरी लेता है इन जावा। इसके अलावा आपसे वो JVM से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी कब लेते हैं, उसके बाद ये पूछ सकता है कि